अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह 3D AI इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह के आपने थंबनेल पर देखा और आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह की इमेज आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। आपने क्या करना है, वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने गूगल क्रोम में आ जाना है। अगर आपके मोबाइल में हो या कंप्यूटर में लैपटॉप में हो, आपने क्रोम पर आ जाना है और उसके बाद आपने एक ब्राउज़र पर आ जाना है जिसका नाम है ब्लू विलो। ये वेबसाइट है, ठीक है, ब्लू विलो ये वेबसाइट है। आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर ज्वाइन फ्री बीटा इस पर क्लिक कर देना है और अपने ईमेल एड्रेस से यहाँ पर साइन अप हो जाना है। मैं ऑलरेडी साइन अप हो चुका हूँ, ठीक है। जब आप साइन अप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्कॉर्ड ऐप है, ये आपके पास सबसे पहले ओपन होगा। यहाँ पे आपने इनवाइट एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास फर्स्ट, अच्छा ये पहली जो इंटरफेस है आपके पास इस तरह आएगी। अच्छा, हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है, फर्स्ट इंटरफेस। इससे शायद थोड़ी मुख्तलिफ हो, मगर आपने फिर सेटिंग कर देनी है। अच्छा, सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ इस पर क्लिक कर देना है, ब्लू विलो AI टू क्रिएट आर्ट एनिमेटेड एक्सेट्रा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर रो की कोई भी रो की आपने ज्वाइन कर लेना है, जो आपकी मर्जी हो उसको आप ज्वाइन कर ले, ठीक है। मैं आपको एक और बार भी वो तस्वीर दिखा देता हूँ जो मैंने बनाए हैं, और आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सब अपने लिए पिक्चर्स बना रहे, यहाँ पर जो मैंने बनाए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने बनाए हैं ये आप देख ले, ठीक है। ये तस्वीर है, ये देख ले, ये देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने भी क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। अब क्रिएट किस तरह करना है, आप YouTube थंबनेल भी बना सकते हैं इससे, ठीक है। ये देखिए, ये सारे लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि रोकी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैसेज बार दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपने स्लैश डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने डालना है इमेजिनी, अच्छा इमेजिनी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और आपने फिर स्पेस इंटर कर देना है तो प्रॉम्प्ट इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद आपके जहन में जो आइडिया है वो आइडिया आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटर कर देता हूँ, टू फ्रेंड्स सिट अंडर ट्री इन हैप्पी मूड लविंग, और मैं देता हूँ कुकिंग समथिंग नियर अ लेक। अगर आपने वर्टिकल पिक्चर बनाना है या वर्टिकल जो है 3D बनाना है, तो आपने वर्टिकल के लिए क्या करना है, अच्छा आपने क्या करना है, अगर आपने हॉरिजेंटल इमेज बनानी है तो आपने क्या करना है, दो दफ़ा आपने ये डैश डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने AR डालना है, उसके बाद थोड़ा स्पेस देना है, और उसके स्पेस के बाद आपने 3 और ये डबल डॉट्स, ठीक है, और उसके साथ आपने 2 डालना है। आपने इसको इंटर कर देना है और ये 60 सेकेंड्स में आपका इमेज क्रिएट कर देगा, ठीक है। और अगर आपने इंटरनेट तेज़ हैं तो ये 15 से 20 सेकेंड में क्रिएट कर देता है। यहाँ पर आपको आपकी जो इमेज है वो आपके नाम के साथ इस तरह दिखाई देगी, जिस तरह के बाकी लोगों के आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका नाम भी यहीं पर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज आ गई है, इसने हमें 4 इमेजेस बना के दे दी है। अब इसमें हमारी मर्जी है कौन सा इमेज हमें पसंद आता है वो हम चूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपने कोई इनमें से कोई एक इमेज चूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चौथा वजह तो 4 नंबर इमेज चाहिए, ठीक है, तो क्या करना है, अपने U4 पर क्लिक कर देना है। और अगर आपको बाकी डिफरेंट पिक्चर्स चाहिए इसी पिक्चर्स के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इस पहले वाले पिक्चर के रिलेटेड मुझे और भी व्यूज़ चाहिए, यहाँ पर मुझे वेरिएंट चाहिए, वेरियस इमेजेस इस तरह चाहिए, तो मैं V1 पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए बाकी और इमेजेस आएंगे, ठीक है। ये पिक्चर ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, बड़ी साइज़ में, ठीक है, और इसके जो है बाकी डिफरेंट वेरियंट्स आ जाएंगे, मतलब इसके मुख्तलिफ पिक्चर्स आ जाएंगे, तो उसमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कि बन गया या नहीं, ठीक है। ये 15 से 20 सेकंड में बन जाता है, अच्छा ये देखिए इसने बड़ा कर दिया है और ये हमारे पास आ गया है। अब इसको मुझे डाउनलोड करना है तो राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ सेव इमेज पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं अपने डिस्टिनेशन सेलेक्ट कर लूँगा और इसको यहाँ पर मैं सेव कर लूँगा, तो पिक्चर ये देखिए हमारे पास डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब हमने दूसरा बताया था कि हमारे पास जो है वेरिएंट होने चाहिए, वो कहाँ पर है, हमें वेरियस मुख्तलिफ उस जैसे इमेजेस बना के दे दें, तो उसमें से 4 इमेजेस आ गए हैं। अब हर इमेज में चेंज है, ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस इसने जो है, इट ब्रिंग्स चेंजेस, तो मुख्तलिफ चेंजेस इसमें हुई हैं। अब आपने देखना है कि कौन सी इमेज आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद आए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दूसरा वाला पसंद है, तो मैं यहाँ YouTube पर क्लिक कर दूंगा और इसके साथ जो है मेरे पास ये बड़ा हो के आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं उसे डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। ये आ गया है, अपने ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया है, ये देखें
तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अपनी पिक्चर नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है, यहाँ सर्च बार पर आ जाना है और अपना यूज़र नेम इंटर कर देना है और उसको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो जो भी इमेजेस आपने बनाई हुई हैं वो आपके पास इनबॉक्स में यहाँ पड़ी रहेंगी, तो आप उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रश होता है तो आपकी इमेज उसमें गायब हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, अगर आप वर्टिकल इमेज बनाना चाहते हैं तो वर्टिकल इमेज किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम उसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आएंगे और उसको इमेज में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर स्लैश डालूँगा मैं, ठीक है, इमेजिनी, वही प्रोसेस है, दोबारा उसको करेंगे और प्रॉम्प्ट आ जाएगा उसके साथ, उस टेक्स्ट को मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके साथ मैं क्या करूँगा, डबल स्लैश डालूँगा, ए आर डालूँगा, ठीक है। ए आर डालने के बाद क्या करेंगे, टू, और उसके बाद डबल डॉट और थ्री, ये आ गया हमारे पास वर्टिकल। तो अब हमारे पास वर्टिकल इमेजेस आ जाएंगे, जैसे कि हॉरिजेंटल आए थे ना, हॉरिजेंटल से आप यूट्यूब थंबनेल भी बना सकते हो एक आला क्वालिटी की, और वर्टिकल पिक्चर्स आप यूज़ कर सकते हो फेसबुक वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये रेशोज़ है, फॉर्मेट्स है, ठीक है, उसके ब्लू विलो के ये हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये वर्टिकल हैं, तो आप इन पिक्चर्स को वर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। जब ये सिंगल होंगे तो ये और भी वर्टिकल नज़र आ जाएंगे, ठीक है, ये और भी बड़े होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को अपने लाइक कर देना है, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।